हाँ जी, तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ लेके आ गया हूँ। तो जो भी स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से, ओपन से या फिर डिस्टेंस से आप बोल सकते हो कि कोर्स करना चाहते हैं, लाइक कोई भी बीए बीकॉम ये सारे कोर्सेस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग ओपन से करना चाहते हो तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ लेके आ गया हूँ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, तो आप लोगों को पता होगा कि जो भी स्टूडेंट डीयू एसओएल में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सबको सीयूईटी की एग्जाम नहीं देनी। उन सबकी एडमिशन जो होगी वो मेरिट बेस्ड एडमिशन होगी, एंड उसमें कट ऑफ आएगी एंड डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करनी होगी जब भी उनकी अप्लीकेशन फॉर्म आएगी। एंड अगर हम लोग बात करें कि उनकी अप्लीकेशन फॉर्म कब आती है, डीयू रेगुलर की जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, देन उसके बाद डीयू एसओएल भी अपनी अप्लीकेशन फॉर्म वगैरह निकालती है। तो अगर हम लोग डीयू की पोर्टल की बात करें, तो आप लोगों को पता होगा 12 सितंबर तक आपकी पोर्टल आ जाएगी एंड जो आपकी रजिस्ट्रेशन वगैरह होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आप एक्सपेक्टेड रख सकते हो जो आपकी डीयू एसओएल की पोर्टल है वो 20 सितंबर के अराउंड ओपन हो सकती है। एंड जब भी ओपन होगी तो मैं आपको बता दूंगा, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ जी, तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, तो मैंने एक न्यू टेलीग्राम ग्रुप, एंड अगर आपकी कोई भी डाउट होगी तो कोई भी स्टूडेंट पूछ देगा। एंड अगर आप लोग पर्सनली हमसे कनेक्ट होना चाहते हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एंड मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको अपडेट मिलती रहती है। उसके बाद अगर हम लोग गुड न्यूज की बात करें कि आपके लिए गुड न्यूज क्या है, तो पहले अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते थे, तो 12th में आपके पास मिनिमम 40% क्लास 12th में मार्क्स रहने चाहिए थे, तभी आप लोग डी यू एस ओ एल के लिए एलिजिबल हो एडमिशन लेने के लिए। तो अब जो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डी यू एस ओ एल ने चेंज कर दी है, एंड अभी लेटेस्ट न्यूज सोर्स से निकल के आ रही है जो आपकी एस ओ एल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो 33% कर दी गई है। तो अगर आप लोग एस ओ एल में अब एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको बस 12th में आपके मिनिमम 33% मार्क्स रहने चाहिए जब आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, एंड इसके रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं।